पर्चा लीक होने के बाद SOP सख्त कर दिए गए। सेंटर के अंदर दौरान इम्तिहान और इम्तिहानात के बाद भी मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। व्हाट्सएप पर सवालिया पर्चा शेयर करने पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। इस बारे तफसील आतिफ परवेज से जानेंगे। आतिफ, SOP इस बारे बताइए। जी बिल्कुल, आज जो हायर एजुकेशन की सख्ती की जरूरत अदालत की इजलास हुआ है, जिसमें पेपर लीक होने के बाद सूरत हाल का जायजा लिया गया और SOPs को सख्त करने पर जो है ये फैसला किया गया। और ये भी फैसला हुआ है कि व्हाट्सएप पर सवालिया पर्चा शेयर करने पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब माइल प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत जो है व्हाट्सएप पर पर्चा शेयर करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ सेंटर के अंदर दौरान इम्तहान और इम्तहानात के बाद भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने इजलास की सदारत की। इसके साथ साथ रेजिडेंट एडिटर जो है वो अपने सेंटर की सिक्योरिटी का जिम्मेदार होगा और अगर किसी जगह पर पुलिस नहीं है तो रेजिडेंट एडिटर जो है वो मुतलका SHO को कहकर पुलिस का अमला जो है वो एहलकार जो है वो सेंटर में तैनात करेगा। तो गुज़िश्ता रोज भी एक जो है बद इंतजामी और संगीन गलती जो है वो लाहौर बोर्ड के जेरे तमाम जारी इम्तहानात में हुई थी और उसके साथ साथ DG खान में भी व्हाट्सएप पर पर्चा लीक हुआ था। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आज ये इजलास बुलाया गया था जिसमें SOPs को मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।